हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रियजनों, इसके लिए परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, वही स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार हुआ। अनंत काल का परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, अनंत काल का परमेश्वर ने जीवन दिया है। ऐसा जीवन नहीं जो एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का, हजार साल का, सौ साल का, ऐसा जीवन नहीं परमेश्वर ने दिया, अनंत काल का, जो कभी नाश नहीं होता है, अजर मिराज का, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को दिया है। जितने परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर ने उन्हें अनंत काल का जीवन दिया है, जो कभी नाश नहीं होता है। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, उदासी में हैं, बेचैनी में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा। वह जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है। हमें अमल करना है, विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियजनों, असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा जुलावर है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है, यीशु मसीह से हो सकता है। क्या आप परमेश्वर से बंधन खुलवाने के लिए तैयार है? मेरे प्रियजनों, हाँ है ना? परमेश्वर आपके बंधन को खोलेगा। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना चाहती है। क्या आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं? क्या परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है? हाँ या ना? मेरे प्रियजनों, अपने हृदय को खोलिए, अपने पापों को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने मानिए, उन्हें छोड़िए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर से बोलिए, और परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ करेगा, और परमेश्वर आपके अंदर आएगा। जो परमेश्वर का मंदिर है, आप हो मेरे प्रियजनों, आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर हाथ के बनाए मकान में, घर में नहीं रहता है, परमेश्वर पेड़ों में नहीं रहता है, मंदिर में नहीं रहता। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, हृदय में रहता है, दिल में रहता है। जो हमारा शरीर है, हमारा दिल है, परमेश्वर का मंदिर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मेरे प्रियजनों, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उदासी में हैं, घबराहट में हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको बच्चे की आशीष नहीं मिल रही है, आप कई सालों से झगड़े में, तो आज आपको परमेश्वर आजाद करेगा। आज आपको परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसू को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, आपकी परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा। जड़ से खत्म करने वाला परमेश्वर है यहोवा जुलावर परमेश्वर है, जो असंभव को संभव करता है परमेश्वर। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। आपके आंसुओं को, आपकी बीमारी को, आपकी गरीबी को परमेश्वर खत्म करेगा, जीव का त्यों करेगा। परमेश्वर जीव का त्यों करने परमेश्वर है। हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर को बुलाना है, और परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। परमेश्वर हमारा आपके जीवन को नया कर देगा, वह जीवन को नया करने वाला परमेश्वर है। क्या विश्वास है आपको कि परमेश्वर हमें चंगा करेगा? यदि आपको विश्वास होगा तो परमेश्वर आपको चंगा करके रहेगा, चंगा करेगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आजादी देने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में हर एक कराधरा के बंधन है, जादू टोना के बंधन है, बुरी आत्माओं के बंधन है, दुष्ट आत्माओं के बंधन है, तो आज बंधन टूट जाएंगे सच में परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटेंगे। हमें विश्वास करना है और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। यदि आप इस प्रार्थना को आग बन कर सुन रहे हैं, लास्ट तक सुन रहे हैं, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें, तो मैं आज आपको लिख कर देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेगा, आशीष लेकर आएगा, बीमारियां जीव का त्यों हो जाएंगी, बच्चे की आशीष आएगी, गलतियां रसोलियां पत्थरियां जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हमें विश्वास करना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर है, और हमारे कामों को हमारा परमेश्वर सफल करेगा, रास्ता निकालेगा। परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, जिस मार्ग पर तुम्हें चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलाऊंगा, मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलाने वाला परमेश्वर हूँ। ना तो दाएं मुड़ना, ना तो बाएं मुड़ना, सीधा दाहिने सीधे चलते आना मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने कहा है। विश्वास करना है,
परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी, कुलेपा जो कुछ किया, बड़े बड़े काम किए जो यहोवा द्वारा सिर काम करना परमेश्वर है। परमेश्वर का दाहिना हाथ, स्वर्ग का दाहिना हाथ, बलशाली हाथ आपके ऊपर बनेगा, बना है, बने रहेगा मेरे प्रियजन। इस प्रार्थना को आगमन करके सुनेंगे लास्ट में, आमीन बोलकर रसीव करेंगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु पापा, पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते, स्वागत करते, यीशु मसीह आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते, महिमा करते, जय जयकार करते। मेरे परमेश्वर, सच में मेरे परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते, पवित्र पाखरु मेरे यीशु पिता, मेरे परमेश्वर जो आपने, मेरे परमेश्वर जो हम सभी को जीवितों के बीच में जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा, अपने पंखों के अंदर छिपा कर रखा मेरे परमेश्वर, इसके लिए मेरे प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे, वे कैसे स्थान पर अंधकार में चले गए होंगे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगान उड़ता रहता है। मेरे परमेश्वर, सच में मेरे परमेश्वर जो आपने हम सभी को माता के गर्भ से चुना है प्रभु, आपने कहा मन तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों डरता है, तू क्यों परेशान होता है, देख मेरे तेरे दुखों को, तेरी बीमारियों को, तेरे रोगों को निश्चय मैंने अपने शरीर पर उठा लिया है, अपने देह पर ले लिया है, तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों परेशान होता है। यीशु मसीह है मेरे प्रियजन, परमेश्वर हम सभी के साथ है, तब लोग क्यों परेशान होते हो, क्यों डरते हो, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पर, जो बेड पर पड़े मेरे परमेश्वर, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरे परमेश्वर, सच में यीशु मसीह आजाद कर पिता, हर एक जन को आजाद कर मेरे परमेश्वर, या आजाद नहीं पाए यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियां जैन के शरीर से, हर गंदी दुष्ट आत्मा, बदुरी आत्मा, मलिच्छिन की आत्मा छोड़े और भाग जाएं, छोड़े और भाग जाएं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आजाद कर पिता, आजादी को रसीव करो बोलकर आमीन, 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 आजादी को रसीव करो बोलकर आमीन। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपको आजादी देगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। मेरे पिता प्रार्थना करते जो मसीह बीमार हैं, गरीब हैं, लाचार हैं पिता, परेशान हैं पिता, जो गरीबी में संलिप्त है मेरे पिता, हम चाहते हैं सच में परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में, ये मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ढूंढते हैं, खटखटाते हैं, तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी गरीबी को, तंगी को, परेशानी को खत्म कर दीजिए मेरे परमेश्वर, इनके हाथ मांगने नहीं मेरे परमेश्वर, इनके हाथ देने ले बना दीजिए यीशु पिता, इनके हाथ देने ले होने पाए यीशु मसीह, अपने कायम दीजिए, पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा मेरे पिता। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा मेरे प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं जो मसीह भाई बहन पिता परेशान है, टेंशन, डिप्रेशन में, घबराहट में डरे हुए हैं, बेचैन हैं पिता परमेश्वर, सच में यीशु मसीह आप इनसे बातचीत कीजिए प्रभु, ये आजाद होने पाए, आज़ादी को रसीव करने पाए अपने जीवन में मेरे प्रभु, ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, चंगाई रसीव करो बोल कर आमीन, आजाद हो जाओ बोल कर आमीन, आजाद हो जाओ बोल कर आमीन। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 पवित्र, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, आपसे नाव की जो आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं यीशु राजा। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं जिन महीनों के बच्चे ने पिता, जिन्हें संतानें चाहिए मेरे परमेश्वर, इन्हें बच्चे की आशीष आने पाए पिता, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, सामर्थ्य नाम से प्रभु, सच में पवित्र आत्मा जी को खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, बच्चे की आशीष रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता प्रार्थना करते जो मसीह भाई भाई रात में नहीं सो पाते हैं, जो ढलकता भलकता प्रभु, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू झुको सुख की जिंदगी अचानक आने भय से डरना। मेरे पिता मुझे आशा विश्वास है अपने प्राण को सुना है, ये छोटी सी उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।